गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई गणेश शर्मा, पीजीटी अकाउंटेंसी वेलकम्स यू एट बीबीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 1 ऑफ 12th क्लास अकाउंटेंसी, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इन प्रीवियस वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाई वी नीड इन पार्टनरशिप बिजनेस, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। टुडे वी विल डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन सोल प्रोप्राइटरशिप वी फाइंड द नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द सोल प्रॉफिट इज बिजनेस ओनर। बट इन पार्टनरशिप the net profit find out from profit and loss account is divided among the partners through profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account is the nature wise nominal account. So nominal account ke nature ka profit and loss appropriation account hai, to kya hota hai, debit all expenses and losses, credit all income and gains. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सो पार्टनर्स को जो भी चीजें बिजनेस के थ्रू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स को प्रोवाइड करवाई जाती है, वो इसके डेबिट साइड में आ जाती है। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो पार्टनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल उसके ऊपर अगर उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, डेबिट साइड में आ जाती है। अपने इस फॉर्मेट में अपन ने देखा कि देयर इज अजम्पशन लेते हैं कि दो पार्टनर है, ए और बी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डिवाइडेड इन बिटवीन टू पार्टनर्स ए और बी सेपरेटली एंड टोटल अमाउंट इज रिटन इन अमाउंट कॉलम। इफ सैलरी गिवन टू पार्टनर, देन सैलरी टू पार्टनर रिटन टू इन अमाउंट कॉलम। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सेपरेटली शोन बाय इंडिविजुअल पार्टनर्स ए और बी, अमाउंट रिटन इन अमाउंट कॉलम। इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज एक्सीड देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, देन द प्रॉफिट, डिवाइजेबल प्रॉफिट रिटन इन पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स एंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली शोन बाय इंडिविजुअल पार्टनर्स। बट if the total of debit side is exceed in the total of credit side, then the loss of business is transferred to partner's capital account. Is that clear? तो अपन ने क्या देखा कि profit and loss appropriation account जो है वो extension है किसका, profit and loss account का। यानी कि profit and loss account के बाद but balance sheet के पहले profit and loss appropriation account बनाया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और दैट नेट प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? नाउ वी डिस्कस द एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, ट्रांसफर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर द प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द फर्स्ट प्रॉफिट transfer to P&L appropriation account. P&L appropriation account में profit को transfer करने की entry अपन क्या करते हैं? देखिए, profit and loss appropriation account में जब profit and loss P&L account के balance को जो कि net profit है उसको transfer करते हैं, तो अपन लिखते हैं P&L account debit to P&L appropriation account. नरेशन आ जाएगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर
सेकेंड कंडीशन आ जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने की जब एंट्री होगी तो पहली, इसकी पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर क्लोज करने की एंट्री होगी। तब अपन क्या एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं थर्ड सैलरी चार्ज बाय पार्टनर तो सबसे पहले क्या एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अब इस सैलरीज को ट्रांसफर कर क्लोज करने की एंट्री होगी तो अपन एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। ठीक है, फिर अपन फोर्थ करते हैं इफ जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइंड आउट हुआ था उसका कुछ पोर्शन अपने को जनरल लेजर में ट्रांसफर करना है, रिटेन्ड करना है, रिटेन करने के लिए जनरल लेजर में ट्रांसफर करने की जब एंट्री होगी तो वो एंट्री हो जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ट्रांसफर करने की एंट्री। फिफ्थ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को चार्ज करने की एंट्री होगी तो पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को चार्ज करने की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। नाउ द सेकेंड एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन अपन एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद में अगर जो डिवाइजिबल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की जब एंट्री होगी, यानी कि डिवाइजेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इवन इफ लॉस इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स देन एंट्री अपन कर देंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब अपन एंट्री का क्या कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इज दैट क्लियर? तो टुडे वी विल डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फॉर्मेट अपन ने देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था, यानी कि जो भी पार्टनर को बिजनेस की तरफ से, चाहे वो उनके इंटरेस्ट कैपिटल पे चार्ज किया जाता है या उनको सैलरीज प्रोवाइड करवाई जाती है, एनी कमीशन और बोनस इफ पार्टनर इज गिवन देन, वो सारी चीजें अपन डेबिट साइड में लिख देते हैं. पार्टनर की ड्रॉइंग्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपन ने नोट कर लिया था. उसके बाद में अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम था, देन प्रॉफिट होने की कंडीशन में वो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करी थी. और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो जो प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ था वो लॉस ट्रांसफर करने का देखा था अपन ने फॉर्मेट में. और उसी चीज को अपन ने क्या किया है कि लेजर से जर्नल बनाई थी. अपन ने पहले लेजर बनाया था, लेजर से अपन ने क्या किया, जर्नल भी पूछ लिया. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जर्नल एंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में जर्नल एंट्री भी पूछी जाती है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पर अपन फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करेंगे. ठीक है, थैंक यू.